नरेंद्र रावत स्टेट स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी। ये प्रोजेक्ट वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे दिया गया था। जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट दिया गया था कोटिया प्रोजेक्ट को, उसी टाइम पे हमने उसका विरोध किया था, क्योंकि कोटिया वालों को कोई एक्सपीरियंस, ये टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था, उनका फूड प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस था। उसके बाद तुरंत उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया और बाद में उसमें टेक्निकल कंसल्टेंट लाए गए और बाद में फिर से ये प्रोजेक्ट लिया गया। बेसिकली ये पीपीपी भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट था, जिसमें कॉरपोरेशन को 150 करोड़ का नुकसान था, फिर भी ये प्रोजेक्ट चल रहा था। बात अभी ऐसी है कि जिस तरह से यहाँ पर 15 लोगों की जो मौत हुई है, उसके सामने कॉरपोरेशन और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी गंभीर बेदरकारी है और उसकी वजह से ये घटना हुई है। आप जानते हैं कि कॉरपोरेशन के द्वारा रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया। जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी हो या कोई भी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन देती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शासकों की कि इसको समय के अंतर पर हर एक प्रोजेक्ट का ऑडिट किया जाए, यहाँ पर सेफ्टी की जाती है और प्रोजेक्ट के अंदर वो टेंडर के सिवा कोई वायोलेशन करते हैं तो उसका प्रोजेक्ट बंद करना चाहिए, मगर ये काम नहीं किया गया। जिस तरह से बोट में 14 लोगों की कैपेसिटी थी, वहां पर 29 यानी कि 29 लोगों को बिठाया गया, ये पहले से ही बहुत बड़ी गंभीर बेदरकारी है। और इसके बारे में न तो कॉरपोरेशन को मालूम था, न तो उसके बारे में कहीं कुछ किया जाता था। तो ये जो घटना है, इसके ऊपर इन कॉन्ट्रैक्टर और वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शासकों के सामने कल्पेबल होमिसाइड यानी कि मानव वध का गुना दाखिल करना चाहिए और इसी के मुताबिक लगभग पुलिस के द्वारा उनके ऊपर ये केस किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य के अंदर ऐसी घटना न हो। आप जानते होंगे कि पास्ट में वडोदरा म्युनिसिपल में कॉरपोरेशन में सुरसागर नाम के तालाब है, उसके अंदर ये घटना हुई थी, वहां पर भी बहुत सारे लोग मर गए थे, मगर उसके बाद भी ये तालाब के अंदर ये घटना हुई। तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ये पुराना एक्सपीरियंस होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिए, ये बहुत बड़ी गंभीर बाबत है और उसके सामने कड़क एक्शन लेने चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। हम एज ए पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, बहुत दुख हो रहा है ये सब सुनकर भी। कल से जब से हमने ये न्यूज देखा है, सुना है, तब से एक रो रही है, कांप रही है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा कि इतना एजुकेटेड होके इतना लापरवाही टीचरों ने, तंत्र ने क्यों किया, हमारे बच्चे गए हैं, ऐसा क्यों हुआ। आपका कौन था? सब बच्चे, एज ए पेरेंट्स मैं आई हूँ, कल जाके मेरा इधर बच्चा होता तो मेरा भी यही हालत होता। मैं सबकी वेदना देख रही हूँ यहाँ, कल से सब लोग रो रहे, चीख चिल्ला रहे, इतना एजुकेटेड होके जब यहाँ पे इतना सुविधा नहीं था तो स्कूल ने परमिशन क्यों दिया। और अगर यहाँ टीचर आने के बाद जब इसको बताया गया कि एक बोट में इतना ही परमिशन है तो ज्यादा बच्चे क्यों बिठाए, ये सवाल हमारा टीचर को भी है, यहाँ के तंत्र को भी है। ये यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है ये बंद हो जाना चाहिए। अगर यहाँ सुविधा नहीं दे रहे तो ये सब कुछ बंद कर दीजिए आप, कोई आपको यहाँ चालू करने की नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या नाम आपका? उषा चौहान। एक्चुअली आप प्रकार की घटना ये जो मतलब इंसिडेंस हुआ है उसको रोकने के लिए पर्टिकुलर कॉरपोरेशन एंड स्कूल सभी रिस्पॉन्सिबल है, मैं समझता हूँ। कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है। आज सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं सुबह यही है, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ हरणी में 5-6 साल से, शिवालय रेसिडेंसी में। और मैं ये न्यूज कल शाम को देखा था जब जॉब से आया, तब यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था और ये न्यूज में भी आया है, न्यूज में हमने देखा है। और ये बहुत दुखद घटना है, पूरा बड़ौदा आज शोकमय मतलब ये एटमॉस्फेयर से गुजर रहा है, सबको बहुत मतलब दुख पहुंचा है, ये ठेस पहुंची है। और इसमें मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेशन को ये जितने भी पार्क्स है, जितने भी रिसोर्ट्स है, उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स का उनको डे बाय डे इंस्पेक्शन होना चाहिए, उनमें जो भी सेफ्टी मेजर्स लगे हैं उनका, इनको प्रॉपर तरीके से वो रिन्यूएबल है कि नहीं है, वो फिटनेस इसकी ओके है कि नहीं है, वो रेगुलरली उसको चेक करना चाहिए और वो चेक मेजर के लिए एक कमिटी भी बिठानी चाहिए। मीनवाइल मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ स्कूल संचालकों को
कि आप ऐसा आपका जो भी मतलब सेशन में वन डे पिकनिक का जो प्रोग्राम होता है, ऐसे प्रोग्राम को अगर आप रखते हो और आप मदर फादर के आप कंसेंट लेते हो, तो उस कंडीशन में आपको एक कमिटी वो भी बनानी चाहिए और वो कमिटी में वो आपकी कमिटी सेफ्टी मेजर्स चेक करे। आप जो रिसोर्ट जो भी एम्यूजियम पार्क में ले जाते हो वहां पे सब जो भी बोट्स है या जो भी कुछ ये बोलते रिंग है, ये सब आप सेफ्टी वाले है कि नहीं है, उसका रेगुलरली फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू हुआ है कि नहीं है, वो सब चेक करके ही वो कमिटी को वो एम्यूजियम पार्क में जाने की परमिशन लेनी चाहिए और माँ बाप का कंसेंट लेना चाहिए।